हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एबीबी ईसीएस 850 ड्राइव का आईडी रन कैसे होता है। तो हमारे सामने ड्राइव का कंट्रोल पैनल है, सो स्टार्ट करते हैं। आईडी रन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को मेन्यू में जाना है। मेन्यू यहाँ है, तो उसके जस्ट नीचे वाला बटन को प्रेस करेंगे HMI में। उसके बाद पैरामीटर के बाद 99, टोटल एक से लेकर 99 पैरामीटर्स होते हैं। तो उसमें 99 दैट इज स्टार्टअप डेटा उसमें इंटर करना है, दैट इज सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको एक बार क्रॉस चेक करना होता है। तो लैंग्वेज 9901 का इंग्लिश। नेक्स्ट मोटर टाइप AM दैट इज एसिंक्रोनस मोटर। थर्ड मोटर कंट्रोल मोड, तो ये पैरामीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईडी रन करते समय। ये अभी प्रेजेंटली स्केलर है और ये ड्राइव फर्स्ट टाइम आईडी रन होगा, तो इसको एडिट करके हम लोग को DTC सेलेक्ट करना है। ये देखिए DTC सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंडिकेशन आने लगा, दैट इज आईडी रन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट मोटर नॉमिनल करंट, ये मोटर का जो नेम प्लेट करंट है उसको फिल करना है। तो यहाँ एंटर जाके आप चेंज कर सकते हैं अप एंड डाउन बटन प्रेस करके, और बाद में सेव करना होता है। नेक्स्ट है नॉमिनल वोल्टेज 415 वोल्ट्स, नॉमिनल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, मोटर नॉमिनल स्पीड सेम नेम प्लेट डिटेल जो भी मोटर का है। नॉमिनल पावर दैट इज 55 किलोवाट ये पर्टिकुलर मोटर का। कॉस फाइव ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉर्क इंपॉर्टेंट नहीं है। और आईडी रन बाय डिफॉल्ट स्टैंड स्टिल ले लिया है, तो जब भी आप आईडी रन करें मेक श्योर करें स्टैंड स्टिल इज द बेस्ट ऑप्शन, इसी को सिलेक्ट करें और यहाँ पे सेव करना है। उसके बाद एग्जिट होके मेन डिस्प्ले पे आना है, मेन मेन्यू पे। और सिंस मोटर अभी ड्राइव रिमोट में है तो इसको लोकल सिलेक्ट करना है यूजिंग दिस बटन। स्विचिंग हो चुका है रिमोट से लोकल में, और बस स्टार्ट कमांड देना है फील्ड का क्लियरेंस लेके। मैं स्टार्ट कमांड दे रहा हूँ। सिंस स्टैंड स्टिल था तो एक चीज़ नोट कीजिएगा, सिर्फ करंट का वेरिएशन होगा, स्पीड का वेरिएशन नहीं होगा। तो RPM विल रिमेन जीरो थ्रू आउट द आईडी रन, ओनली करंट विल वेरी। सो इट विल टेक अराउंड 2 से 3 मिनट लेगा, तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ। अदरवाइज आप देख सकते हैं करंट का वेरिएशन किस तरह हो रहा है। ओके फाइन, आईडी रन कंप्लीट हो चुका है, और इसको हम लोग वापस से रिमोट में डाल देंगे। रिमोट में हो गया, और इसको कंफर्म करने के लिए आप एक बार फिर से मेन मेन्यू में जाके पैरामीटर में चेक कर लीजिए। वहाँ पे आईडी रन जो पैरामीटर था दैट इज 99 13 पैरामीटर 99 13, तो ये बाय डिफॉल्ट आईडी रन मोड नो सिलेक्ट हो जाएगा, दैट इज नो आईडी रन होने के बाद। सो दिस इज हाउ आईडी रन इज डन विथ ECS 850 ड्राइव। होप आपको पता चला होगा, इफ सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।